हरियाणा में सरपंचों द्वारा ही टेंडरिंग का विरोध बढ़ता ही जा रहा है। कैथल और इंद्री में आज सरपंचों ने जमकर बवाल काटा। कैथल ब्लॉक के सरपंच ने BDPO कार्यालय में ताला लगा दिया और कर्मचारियों को कार्यालय से बाहर कर दिया। वहीं इंद्री में सरपंच और पंचों ने अपनी मांगों को लेकर शहर में प्रदर्शन किया और पंचायत मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ये पहली तस्वीर कैथल की है जहां पर सरकार से खफा सरपंचों ने कार्यालय पर ताला लगाने के बाद टेंट लगाकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सरपंचों का कहना है कि टेंडरिंग के माध्यम से सरकार छोटी सरकार पंचायतों का वजूद खत्म करना चाहती है। सिर्फ 2 लाख की वित्तीय पावर के साथ सरपंच काम नहीं कर सकेंगे क्योंकि सरपंच को गांव में ही रहना होता है। तो वहीं दूसरी तस्वीर इंद्री की है। ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल को लेकर तीसरे दिन इंद्री खंड के सरपंच और पंचों ने अपनी मांगों को लेकर खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी के कार्यालय से लेकर शहर तक रोष मार्च निकाला। सरकार से नाराज चल रहे पंचों और सरपंचों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक वो ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे। सरपंचों ने तो सरकार को ये चेतावनी तक दे डाली है कि 2024 के चुनाव में सरकार को परिणाम भुगतना पड़ेगा। उसका मानदेय बढ़ाया जाए, उसके इन्होंने सब कुछ वो कर दिया, टेंडरिंग कर दिए, लेकिन ये नहीं सोच रही है सरकार कि सरपंचों के आखिरकार खर्चे कितने हैं। एक सरपंच सुबह उठता है, रात के सारी रात भी वो दुनिया के दूसरों की सेवा में खड़ा रहता है, उसके कितने खर्चे हैं। इनको मानदेय बढ़ाना चाहिए और जो ये BPL हैं, जो गरीब व्यक्तियों के BPL कट गए हैं, जो विधवाओं के, जो अनाथ बच्चे हैं उनके BPL कट गए हैं, सरकार जो है वहीं से चंडीगढ़ से बैठे ही BPL काट रही है। किसी पंचायत को, किसी सरपंच को, किसी की कोई पूछने की वो नहीं, भी कोई गरीब है। सबसे ज़्यादा तो गांव की पंचायत को ही पता होता है कि भी गांव में कौन गरीब है कौन नहीं है। अगर कोई सरपंच या पंचायत नजायज किसी के BPL बनवाती है उस पर कार्रवाई करें, लेकिन जो जरूरतमंद है उसका तो पंचायत को ही पता होता है। उनके BPL कार्ड दोबारा सर्वे करा करके पंचायत को उसमें कमेटी में शामिल करके उनके दोबारा BPL बनाया जाए। अगर सरकार, ये जितने भी सरपंच हैं, कोई सरपंच भी है कोई सरकार के खिलाफ नहीं है, लेकिन उनकी जो नीतियाँ, जो पॉलिसी हैं, पता नहीं उनको कौन समझा रहा है कि अभी किसान इनके खिलाफ आंदोलन पे बैठे, कर्मचारी इनके खिलाफ आंदोलन पे बैठे, अब इन्होंने और तो दिखा नहीं, अब सरपंचों को भी इन्होंने आंदोलन पे बिठा दिया है। हम सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि चाहे कोई आपके खिलाफ बैठे, किसी को कुछ आपका बिगड़े ना बिगड़े, लेकिन अगर ये सरपंच इन्होंने इनको संतुष्ट नहीं किया या इनकी मांगे नहीं माननी, तो 2024 में ये सरपंच इनको दिखा के छोड़ देंगे कि भी ये भी कुछ चीज़ है या नहीं है। ये अपनी पूरी ताकत लगा देंगे भाई, लेकिन ये इनको आने नहीं देंगे। जो आप इनके सरपंचों की जो पावर 20 लाख से घटा के 2 लाख कर दिया, एक तो ये मांग है हमारी, इसको बढ़ा के 30 लाख किया जाए, और जो 30 लाख से ऊपर है वो टेंडर भी पंचायत द्वारा हो और पंचायत ही उसकी पेमेंट करे। गांव में कोई भी काम गड़बड़ नहीं हो, अब टेंडर ही छोड़े गए तो कोई टेंडर 20 लाख का होगा उसको ठेकेदार बढ़ा के तो लेगा नहीं, जिसको 21 लाख में लेगा, 22 लाख में लेगा, उसको घटा के लेगा 1-2 लाख, तो कहाँ से पूरा करेगा? पूरा तो वहीं से करेगा, मटेरियल घटिया लगेगा। तो जाके आप भी चेक कर सकते हैं गांव में, हमारी गलियां टूटी पड़ी हैं, कोई बिल्डिंग पूरी नहीं है, क्यों टेंडर कम रेट में छूटे हैं तो मैं वहाँ कार्य हुआ नहीं, ऐसे कैसे पड़े हैं, हमें पेंडिंग पड़े हैं सारे, आधी जगह तो ऐसे ऐसी बिल्डिंग पड़ी हैं उनके दरवाजे खिड़की ही नहीं है, तो इन आगे काम कार्य क्या होगा? और ये अगला जो हमारा राइट टू रिकॉल का है, इसमें से तो गाँव में भाईचारा खराब होगा, सरपंच को ब्लैकमेल किया जाएगा। क्यों राइट टू रिकॉल का गाँव में सबसे पहले 33% अप्लीकेशन BDO ऑफिस, BDO साहब को या जिले में CO को दी जाएंगी। उसके बाद उपयुक्त वहाँ से एक लाइटर जारी करेगा गांव में गुप्त मतदान, तो उसमें गुप्त मतदान होगा गांव में, 67% वोट या तो सरपंच के खिलाफ पड़ती हैं तो जब उसको पद से हटाया जाएगा, 1% भी कम पड़ेगी तो ये प्रक्रिया बंद हो जाएगी और 1 साल बाद इस प्रक्रिया फिर चालू होगी 1 साल के बाद। तो इसमें तो चुनाव आयोग, गांव और हरियाणा सरकार का पैसे का दुरुपयोग होगा बार बार। सरपंचों का कहना है कि जब तक सरकार ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल को वापस नहीं लेती तब तक उनका धरना प्रदर्शन इसी तरह से जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल में जब गांव के अंदर पंचायत नहीं थी उस समय जो भी काम प्रशासन के द्वारा किए गए उनकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि इन कामों में प्रशासन के द्वारा बहुत कुछ गोलमाल किया गया है। कैथल से जयपाल रसूलपुर, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।